इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूं और आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर तमाम तरह की सियासी हलचल भी है। दरअसल आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये इलाहाबाद में जो इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की बिल्डिंग है उसमें ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और उस बिल्डिंग के ठीक बाहर तमाम तरह के पोस्टर्स और होर्डिंग राहुल गांधी को लेकर लगाए गए हैं, जिसमें एक ये होर्डिंग आपको नजर आ रही होगी जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि करेंगे संविधान का सम्मान, लाएंगे न्याय की सत्ता, संविधान सम्मान सम्मेलन प्रयागराज। इसके अलावा एक ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटी सी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें जातिगत जनगणना मेरे लिए राजनीतिक विषय ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का मिशन है राहुल गांधी। जो बयान उन्होंने दिया था वो संविधान सम्मान सम्मेलन की इस होर्डिंग के माध्यम से फिलहाल यहाँ पर दर्शाया गया है, जिस पर राहुल गांधी की तस्वीर है, हाथ में उनके संविधान की प्रति है, उनके बगल में प्रियंका गांधी की तस्वीर है। इसके अलावा ये जो मेन रोड है मेडिकल एसोसिएशन के बाहर की, वहां पर भी आप देखिए कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स राहुल गांधी के स्वागत को लेकर यहां पर लगाई गई हैं, जिसमें लिखा गया है संविधान सम्मान सम्मेलन प्रयागराज। और इसके अलावा इसमें भी राहुल गांधी की तस्वीर और उनके हाथों में संविधान की प्रति देखने को मिल रही है। तो ये एक तस्वीर है इलाहाबाद में जो इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन है उसके बाहर, जहाँ पर आज ये संविधान जो सम्मेलन आयोजित किया जाना है। और ये देखिए मेडिकल एसोसिएशन के बाहर भी तमाम सारी जो होर्डिंग्स हैं वो यहाँ पर भी लगी हुई हैं। हर एक होर्डिंग में राहुल गांधी की एक तस्वीर और उनके हाथ में संविधान के प्रति आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी और उस लिखा भी हुआ है कि भारत का संविधान, संविधान सम्मान सम्मेलन प्रयागराज। इसी तरह की होर्डिंग ये देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये जो पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिल्डिंग है वहां पर इसी तरह की होर्डिंग्स अब फिलहाल यहां पर लगी हुई नजर आएंगी। और आज के इस कार्यक्रम के कई तरह से राजनीतिक मायने भी तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो राहुल गांधी का ये प्रयागराज दौरा है ये इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान बचाओ का एक बड़ा नारा जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया गठबंधन और जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से दिया गया था तो वो फिलहाल जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? सुदामा कुशवाहा नाम है। जी सुदामा जी, आज ही राहुल गांधी जी का जो प्रयागराज दौरा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि संविधान सम्मान सम्मेलन होने जा रहा है, इसका क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले मोदी ने खुद बोला था कि हमको 400 पार दीजिए वोट सीटें ताकि मैं संविधान को बदल सकूं। इसलिए पूरा देश बौखलाया हुआ है, संविधान इतने मेहनत से बनाया गया था और संविधान को बदल दिया जाएगा तो जो हमारे दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसलिए संविधान सम्मान दिवस मनाया जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेश के चुनिंदे लोग आए हैं यहाँ पर, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो संगठन को चलाते हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी और गरीब सामान्य वर्ग के लोग भी इसमें हैं जो उनको संविधान की आवश्यकता है। इस कारण से हम लोग मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से हम लोग आए हैं। आप लोग मध्य प्रदेश से आए? जी, मध्य सिंगरौली। कांग्रेस पार्टी में आप लोग? जी। क्या नाम है आपका? जी मनोज शाह, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ पिछावर कांग्रेस का, यूपी में, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश आया, मध्य सिंगरौली जिले से आया हूँ। यहाँ पे जिस प्रकार से ST SC OBC का कथकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छीना जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है, उसकी घोर निंदा कर रहा है। उन्होंने सीधा साफ तौर पे कहा था लोकसभा चुनाव के पहले उनके कोई मंत्री कि जैसे ही हमारे पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी हम आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। आज पहले जो मंडल का तमाम हमारे जो OBC के नीति निर्माता हैं उन्होंने मंडल कमीशन का लागू कराया था, लेकिन कई प्रदेशों में आज मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है, लोगों को आरक्षण का लाभ जो मंडल कमीशन लागू उस समय नहीं मिल पा रहा है। और जैसे मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण लोगों को मिल पा रहा है जबकि मंडल कमीशन में 28% का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीक होता है कि मोदी जी ने ST SC OBC का हक अधिकार छीनने का काम लगातार करने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम सारे लोग हैं जो फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आज जिस संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है उसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये भी मैसेज देना चाहती है कि जिस मुद्दे के आधार पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की थी इसी मुद्दे को धार देने की कोशिश है। और ऐसा लगता है कि आज राहुल गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल होने के बाद इसी दिशा में राजनीतिक जो बयान है उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी फिलहाल प्रयागराज में डेरा जमाया हुआ है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज न्यूज 24।